उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाकर या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरी करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खास तौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला, मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ, वहाँ पर काफ़ी जमीन है जिनमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा है कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह हो सकता है कि अनाज की कमी वाले इलाकों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं इस बात और कहना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं
उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए।